नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ काजल। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल पर आज अंबाला अमृतसर मार्ग स्थित शंभू टोल प्लाजा से अंबाला के किसान दिल्ली के लिए रवाना हुए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा कर दी है और कैबिनेट में भी इस पर मोहर लग चुकी है। इसके बावजूद किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म करने के मूड में नहीं है। अब किसान एमएसपी पर कानून बनाने, किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने और आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अंबाला से हमारे जिला संवाददाता विकास अहल्यान की रिपोर्ट। देखो, जो संयुक्त मोर्चे की कॉल दी हुई है 29 तारीख को दिल्ली के अंदर जो कूच करने हैं 500 आदमी का उसकी है, क्योंकि ये कॉल दी हुई है जो तीनों काले कानून वापस होने से पहले दी हुई है और 26 तारीख को सभी को बोल रखा था अभी दिल्ली के पहुंचना है और अभी जो एमएसपी की गारंटी कानून बनाना है उसके ऊपर सरकार ने अभी कोई आश्वासन नहीं दिया। इसलिए जब तक एमएसपी कानून नहीं बनता ये आंदोलन जारी रहेगा। जो संयुक्त मोर्चे की कॉल रहेगी अंबाला की किसान यूनियन उसको फॉलो करी जाएगी। आज कितने बजे निकलेंगे? देखो, आज जो काफिले की बात है उसके अंदर शादियाँ बहुत है। पहले तो हमारे जो प्रधान है ब्लॉक 2 के उनकी भी शादी है, कुछ से लोग उनके भी सामने, कुछ अपनी पर्सनल भी शादियाँ लोगों की हैं। ये 27-28 तारीख को 3 डेटें हैं तो 29 तारीख को फिर लोग जो अपने यहाँ पर आते, हमने जो संयुक्त मोर्चे की कॉल है उसके लिए हमें यहाँ से जाना है। कम से कम भी 100 गाड़ियाँ तो यहाँ से जाएंगी आज भी, तो बाकी 29 तारीख को पूरा, जैसे पिछली बार 26 तारीख को कट हो जाएगा ऐसे ही 29 को पूरा कट हो जाएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।